दोस्तों हाय हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए वीडियो पे। तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं फिर से ग्रिड मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों मेरे चैनल पे कई सारी वीडियो जो है ग्रिड मेथड पे पड़ी हुई है, बट दोस्तों आज मैं पूरा आपको डिटेल बताने वाला हूँ और मैं वॉल पे कैसे ग्रिड करता हूँ वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस स्केच को देख रहे होंगे दोस्तों, इतना परफेक्ट मैंने कैसे स्केच किया है। वॉल पे काफी ज्यादा लोग ग्रिड बना के करते हैं बट उनका परफेक्ट स्केच नहीं होता है, तो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों आपको परफेक्ट कैसे स्केच करना है। और यही ग्रिड मेथड का यूज करके मैंने दोस्तों बहुत सारी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई हैं जो कि आप ये देख रहे होंगे। और ये दोस्तों पूरा परफेक्ट मतलब पेंटिंग हुआ था जिस समय मैंने बनाया था, अभी भी दोस्तों काफी शानदार पेंटिंग लगता है, बट दोस्तों ये बहुत पुरानी पेंटिंग है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम रेफरेंस को ग्रिड कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों वॉल पे करेंगे। और जो मैंने दोस्तों ये वॉल पे स्केच किया है, ये हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का स्केच है, तो इसे दोस्तों पेंट भी करूंगा, उसका भी ट्यूटोरियल में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों मैं इसे एपेक्स वाटर कलर से मैं बनाने वाला हूँ, आप लोग नेक्स्ट वीडियो को भी मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मैंने इसे कैसे स्केच किया है वो आप आगे देखिए। फाइनली दोस्तों ये है मेरा टैब और यहाँ से डायरेक्ट मैं ऑन कर लूंगा और डायरेक्ट ड्राइंग ग्रिड मेकर पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर दोस्तों उस फोटो को आपको ऐड करना है जिसे आप स्केच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फोल्डर के आइकन पे आप क्लिक करोगे और जिस फोटो को आपको बनाना है दोस्तों उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे इसको बनाना है दोस्तों, ये वाला फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार ये लग रहा है। और ग्रिड के लाइन को मुझे पतला करना है, तो यहाँ पर मैं ये वाला आइकन देख रहे होंगे, यहाँ पर टाइप कर देना है, तो यहाँ पर मैं जीरो कर दूंगा। तो यहाँ पे इसे ओके करने के बाद देखिए कितना पतला पतला हो चुका है। अब ये दोस्तों बॉक्स को मुझे स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है दोस्तों, बस स्क्वायर पे आपको टैप कर देना है, ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने के बाद दोस्तों और इस पर मुझे ऐसा ग्रिड लगाना है दोस्तों जो कि मैं अच्छे से इसके स्केच कर पाऊँ, तो उसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पर टैप करना है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों टैप करके कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, जैसे मैं अभी लिख देता हूँ 10, और 10 के ग्रिड पे दोस्तों उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसे दोस्तों मुझे 15 कर देना होगा। तो थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 15 कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना शानदार ये 15 का ग्रिड बना है। तो बस इसी तरह से दोस्तों आप लोग को भी कर लेना है। और अब दोस्तों मुझे इसे डायगनली ग्रिड लगाना है, तो यहाँ पर DIAG लिखा हुआ है, तो उसी पर आपको टैप कर देना है, तो ये डायगनल ग्रिड हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप छोटे से छोटे मतलब जगह पे आप स्केच अच्छे ढंग से कर सकते हो, तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है। और मुझे दोस्तों ऐसा ब्लैक कलर जो लाइन दिख रहा है वो ब्लैक नहीं मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं दोस्तों इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, मुझे हल्का ब्लू टाइप का अच्छा लगता है, तो मैं ब्लू ही करूँगा दोस्तों। तो ये देख सकते हैं ये ब्लू हो चुका है। अब दोस्तों सिंपली मुझे इसे सेव कर देना है, तो सेव के लिए दोस्तों उसी फोल्डर के आइकन के बगल में आपको टैप कर देना है, ये सेव हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये सेव हो चुका है। अब सीधे है दोस्तों हम बैक जाएंगे और अपने गैलरी पे इसे ढूंढेंगे, तो फाइनली ये मिल चुका है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये ग्रिड हो चुका है। तो चलिए अब इसे डायरेक्ट हम वॉल पर ग्रिड करते हैं, तो इसी तरह से ग्रिड करेंगे दोस्तों और उस पर स्केच भी करेंगे। तो फाइनली दोस्तों ये है वो वॉल जिस पे मैं स्केच करूँगा, तो दो लाइनिंग मैंने कर दिया है सीधा करने के लिए। और यहीं पर दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले लास्ट वीडियो में कलर मिक्सिंग के बारे में समझाया था, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि कलर कैसा मिक्स किया जाता है मैंने बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दो लाइनिंग कर रखा है, तो इसी पर दोस्तों हम डायरेक्ट ग्रिड लगाएंगे। तो चलिए मैं कैसा ग्रिड करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं धागा पे नील या फिर चौक में रगड़ लेता हूं, उसके बाद दोस्तों ऐसा लाइनिंग करता हूं। आप देखिए कैसा लाइन हो चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप कर सकते हैं तो आपको भी करना चाहिए। यहां पर दोस्तों मैं स्केल की मदद से मतलब कितना साइज़ का मैं ग्रिड लगाऊंगा वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं 3-3 इंच का मतलब ग्रिड लगाऊँगा, तो आप देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा 3 इंच का मैं ग्रिड लगाऊँगा। तो चलिए डायरेक्ट इसमें 3-3 इंच का डायरेक्ट ग्रिड लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे मार्क करना होगा 3-3 इंच पे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले 3-3 इंच पे मैं मार्क कर दूंगा। आप देख रहे होंगे 3-3, 3-6, 9 इस तरह से मैं मार्क करते जा रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों मैं पूरे चारों ओर मतलब इसी तरह से पूरा ग्रिड लगाऊंगा। और आपको भी दोस्तों अगर जैसा सुविधा होता है दोस्तों वैसा करना चाहिए,
मतलब सिर्फ मार्क होना चाहिए, वो भी बराबर लाइनिंग होना चाहिए। तो इसी तरह से दोस्तों आपको चारों साइड कर लेना है। मैं इस साइड भी सेम टू सेम करूँगा, ऊपर की साइड भी वैसा ही करूँगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आप बिना ग्रिड किए ही अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं वॉल पे, मतलब बड़ा स्केच कर लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको बिना ग्रिड लगाए ही स्केच करना चाहिए। वैसे दोस्तों मैंने काफ़ी ट्राई किया है, बड़ा स्केच में से परफेक्ट बन नहीं पाता है। जैसे मैं छोटा छोटा स्केच में बना लूँगा परफेक्ट, बट दोस्तों वॉल पे मुझे बड़ा अगर बनाना होगा तो मैं दोस्तों परफेक्ट नहीं बना पाता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं ग्रिड लगा के ही आप लोग को समझाता हूँ। तो आप फाइनली आप देख रहे होंगे पूरा अच्छे ढंग से मैंने इसे मार्क कर दिया है चारों साइड दोस्तों। नीचे साइड भी मैंने किया है, तो नीचे का आपका मार्क दिख रहा होगा या नहीं, दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा। तो चलिए अब इस पर मैं लाइनिंग करूँगा दोस्तों। तो कैसा मैं लाइनिंग करता हूँ आपको मैंने पहले ही बता दिया है कैसा मैं लाइनिंग करता हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों लाइनिंग करते जाऊंगा मैं, चारों साइड दोस्तों लाइनिंग करूंगा। और ऐसा लाइनिंग करना दोस्तों मुझे आदत है पहले से ही, क्योंकि दोस्तों हम लोग वॉल राइटिंग वगैरह करते हैं, तो इसी तरह से लाइनिंग वगैरह करके हम लोग वॉल राइटिंग करते हैं। तो आपको भी दोस्तों अगर आदत नहीं है तो आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग एक आर्टिस्ट हो, कहीं ना कहीं आप लोग को ये ज़रूर काम आएगा। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है कम्प्लीट। तो चारों तरफ से मैंने दोस्तों इसे ग्रिड लगा दिया है, कितना शानदार लग रहा है। सीधा सीधा दोस्तों आपको दिख रहा होगा ऊपर से नीचे भी और इस कोने से उस कोने तक। और अब दोस्तों मुझे डायगोनली ग्रिड लगाना होगा कोने से कोने तक। आप देख सकते हैं कैसे कोने कोने को मैं मिला रहा हूँ ऊपर से नीचे, जो भी कोना दोस्तों मतलब बीच का कोना भी आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब वो मिलना चाहिए दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे उस कोने से इस कोने तक मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। तो आप मैं जल्दी जल्दी करता हूँ दोस्तों और आपको लास्ट में दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है कंप्लीट। आप देख रहे होंगे चारों तरफ से बराबर है और हर डब्बा दोस्तों, हर जो भी स्क्वायर आप देख रहे होंगे हर डब्बा बराबर है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं ग्रीड करता हूँ। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें स्केच जो है कैसा निकल के आता है। तो स्केच दोस्तों आपको पता होगा कैसा करते हैं। तो चलिए मैं इस स्केच को पूरा कंप्लीट करता हूं और आपको दिखाता हूं। तो फाइनली दोस्तों ये स्केच जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे होंगे परफेक्ट स्केच हुआ है दोस्तों, जैसा फ़ोटो में है। और आप देख रहे होंगे कितना शानदार लग रहा है। और आप देख रहे होंगे दोस्तों आँखों पे मैंने कितना डिटेलिंग किया है, मतलब आउटलाइन से ही। और आउटलाइन दोस्तों मैंने इनामेल पेंट से किया है, आपको भी दोस्तों इनामेल पेंट से ही आउटलाइन कर देना है।